एक्स वाई जेड जो फंक्शन है सी, ये स्केलर फंक्शन है बी यानी सरफेस। अब ये जो स्केलर फंक्शन है इसको इसने क्या बनाया, सरफेस बी यानी सरफेस। देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज डिफाइंड बाय ग्रेडियंट फाई इंटू ई, वेयर ई इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। मतलब क्या हुआ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है एक्स वाई जेड में इक्वल टू सी, तो स्केलर फंक्शन है वो किसी सरफेस को अगर वो डिफाइन कर रहा है, लेट फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी बी एनी सरफेस, एक सरफेस को वो डिफाइन कर रहा है। सरफेस आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है, पैराबोलिक या फिर इलिप्स या हाइपरबोलिक सर्कल, कुछ भी सरफेस हो सकती है, उसको डिफाइन कर रहा है। देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसको हम डी डी डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखते हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई इज डिफाइंड बाय ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई तो हम फाइंड करते ही हैं, इनटू ई। ई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा फाई ग्रेडियंट इनटू फाई, जो ग्रेडियंट होगा फाई का वो इनटू ई। ई इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ये देखते हैं कैसे डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर की बात करते हैं। तो जो डायरेक्शनल जो डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स और द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स और मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड होता है, दैट बाय, वेरी गुड, मोड में। यस, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव मोड ऑफ और ग्रेडियंट, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव और मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन फाई। ये तीनों एक ही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन फाई क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो वो डिफाइन करते हैं मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है ये मॉडुलस नहीं है, ये ओनली ग्रेडियंट ऑफ फाई है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। अब मैं कहूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगी यहां पे, तो क्या होगी वो, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट मोड ऑफ ग्रेड फाई, मोड ऑफ ग्रेड फाई। अब ये जो ई है यहाँ पे, ई क्या बताया मैंने, डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन, गिवन वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है। तो ई क्या हो जाएगा, अगर ए वेक्टर डायरेक्शन दी हुई है किसकी, ए वेक्टर डायरेक्शन दी हुई है वेक्टर की कर्व के लिए, तो उसका जो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर पता है क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो E की वैल्यू यहां पे ये यह है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगी चीज। अब नेक्स्ट आता है दो कर्व के बीच में एंगल फाइंड करना। सपोज ये एक कर्व है, ये एक दूसरा कर्व है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा होता है, कोई बता सकता है, बिटवीन द टेंजेंट, वेरी एंगल गुड, बिटवीन द, वेरी गुड, वेरी गुड दिव्या। इन दोनों की टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसकी टेंजेंट ये